ये भेजिए। तो देख सकते हैं लोगों में भीड़ लग चुकी है भाई, पास सिक्का है, वो सिक्का डाल रहे हैं, 5 रुपया में आपको यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मिलता है, निकाल रहे हैं, सबसे बातचीत भी करेंगे। चाय बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक चीज है रांची में। प्रिंस है, प्रिंस आप ही इस मशीन को बनाए हैं? हाँ, ये मशीन मैंने ही बनाया है। कैसा लगा चाय? वेरी गुड, बहुत अच्छा है टेस्ट, कॉफी चाय नहीं लगा, लगा कॉफी है। इस मशीन को बनाने में मुझे लगभग दो साल का वक्त लगा है बनाने में। ये मशीन को बनाने के लिए कुछ दिन डिलीवरी बॉय का काम किए ताकि कुछ पैसा है उससे हम मशीन को बनाए। रांची में एक ऐसा मशीन लेकर आए हैं जो कि अपने आप चाय दे रहा है, 5 रुपया सिक्का डालिए और आपको चाय मिल जाएगा। जैसे ही आप इसमें चाय लीजिएगा, जैसे ही इसमें आप कप उठाइएगा, दूसरा कप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि इससे गरम गरम सूप, टमाटर सूप सब बने, इस मशीन को कोई चुरा के ले गया या उखाड़ के ले गया, ऐसा तो हो सकता है? नमस्कार, जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम लोग आपको एक ऐसे मशीन में चाय पिलाने वाले हैं जहां पर 5 रुपया डालते ही अपने आप चाय बाहर आ जाता है। लोकेशन की बात करें तो आज हम लोग आए हैं, पीछे हमारे लालपुर चौक है, सामने में कोकर है, डिस्लरी पुल है और यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है, आप देख सकते हैं ये मशीन जिसमें कि अपने आप चाय बाहर आता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है और इसमें 5 रुपया का सिक्का डालने पर आपको यहाँ पर चाय निकल के आएगी और आप चाहे तो स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन करने के बाद भी आपको चाय अपने आप बाहर आ जाएगी। यहाँ पे कप रखा हुआ है और यहाँ पे सिक्का डालने के लिए एक जगह बनाई हुई है। तो चलिए 5 रुपया का सिक्का डालते हैं और देखते हैं कि अपने आप कैसे चाय निकल कर आता है। हमारे रांची में मुझे लगता है पहली बार ये मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए भाई, सिक्का मैंने डाल दिया है और यहाँ पर कप है जिसमें कि अपने आप चाय देख सकते हैं आ चुका है। तो 5 रुपया में गर्मा गर्म चाय हमारे पास आ चुकी है, देख सकते हैं। तो चलिए इस चाय को पी के ट्राई करते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। भाई 5 रुपया में ना इतना अच्छा चाय आपको रांची में बहुत कम जगह पे मिलेगा। गर्म है चाय, लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था थोड़ा ठंडा था, अभी चाय का टेस्ट भी बहुत इम्प्रूव हो चुका है। तो बहुत अच्छा मशीन बनाया गया है और इस मशीन को बनाए कौन है तो वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे और उनसे मिलाएंगे भी। पहले इस गर्मा गर्म चाय को मैं ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रिंस है, प्रिंस आप ही इस मशीन को बनाए हैं? हाँ, ये मशीन मैंने ही बनाया है, मेरा नाम प्रिंस है। अच्छा, तो प्रिंस ये इस मशीन को बनाए हैं, चाय मशीन, और इस मशीन का नाम क्या रखे हैं? ये मशीन का नाम है सीक्रेट चाय। अच्छा, हाँ। तो कितना टाइम लगा प्रिंस इस मशीन को बनाने में? इस मशीन को बनाने में मुझे लगभग दो साल का वक्त लगा है बनाने में। दो साल का वक्त लगा? हाँ, दो साल का वक्त लगा है। तो आप क्या करते हैं अभी? अभी हम बीकॉम का स्टूडेंट है, मरवाड़ी कॉलेज में बीकॉम स्टूडेंट है। अच्छा, तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मतलब ये मशीन को बनाने के लिए कुछ दिन डिलीवरी बॉय का काम किए ताकि कुछ पैसा है उससे हम मशीन को बनाए। अच्छा, मतलब पैसा का थोड़ा दिक्कत था आपको? पैसा का दिक्कत था, तो एज अ डिलीवरी बॉय काम करके। क्या जोमेटो सब में काम? नहीं, ये डिलीवरी बॉय में, फ्लिपकार्ट में। अच्छा, फ्लिपकार्ट में काम कर, वैन में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। तो आपका घर कहाँ है? मेरा घर बगल में ही है, यहाँ से कोकर तरफ भावानगर है, भावानगर रोड नंबर 3 में मेरा घर है। अच्छा, तो आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं? हाँ, अभी कौन से ईयर में है? अभी मेरा 3rd ईयर है। अच्छा, तो मुझे लगता है जब आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में थे उसी समय मतलब आपने इसके बारे में सोचा होगा। हाँ, उसी समय सोचे थे। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ तो इंजीनियर लोग बनाते हैं, आपने कैसे सोचा कि आपको ये बनाना चाहिए? मुझे भी इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट था मेरा, तो अच्छा। मैंने सोचा पहले कि ये जो वाटर एटीएम मशीन होता है ना, उसको हाँ। बनाने का, तो पर फिर हम आज सोचे कि अगर इस तरह बनाया जाएगा तो ज़्यादा कुछ यूनिक होगा, इसलिए मैंने इसे बनाया। अच्छा, तो मतलब कि इसको बनाने के लिए कोई वीडियो देखे थे, कुछ पढ़े उढ़े कहीं पर? मतलब किस तरह क्या काम करता, कौन सा कंपोनेंट किस तरह काम करता, उसका तरह उससे जान के हम खुद ही बनाए हैं ये पूरा का पूरा। अच्छा, इस मशीन में अगर हम लोग 1 रुपया या 2 रुपया डालेंगे तो काम करेगा क्या? अभी मतलब 1-2 रुपया के लिए अभी कुछ है तो नहीं, लेकिन आगे 1-2 रुपया में हो सकता है कि बिस्किट आए। अच्छा, और मतलब कि आगे भी आप इसको सोच रहे हैं कि आगे भी कुछ काम करेंगे इस पे? अगर कोई ऑर्डर देगा या कुछ बोलेगा तो इस तरह से स्पेसिफिकेशन करवा सकता है कि उसको बिस्किट चाहिए, चाय चाहिए या कुछ भी तरह का, जो भी वो अपना बनवाना चाहे तो बनवा सकता है। मतलब आप घर पे जब ये बना रहे थे तो आपके घर में जो आपके फैमिली मेम्बर है तो वो लोग क्या बोल रहे थे, क्या कर रहा है? क्योंकि अक्सर
कहते हैं ना, जो इन्वेंट करता है उसको बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है। तो आपके घर में आपके मम्मी पापा लोग क्या बोल रहे थे? मतलब यही था कि क्या कर रहा है दिन भर बैठ के, मतलब ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था उनके लिए। ये थोड़ा सा इस मशीन को बनाने में तो खर्चा भी बहुत आ रहा होगा। हाँ, खर्चा आया है थोड़ा बहुत। अच्छा, और बहुत सुंदर सी मशीन बनाए हैं, खुद ब खुद गर्मा गर्म चाय निकल कर आती है। आप 5 रुपये का सिक्का डालो और आगे जाके और क्या क्या सोचे हैं? मतलब मशीन जैसे अभी चाय आ रहा है तो कॉफ़ी के लिए भी कुछ सोचे हैं क्या? आगे कुछ दिन में ही इसमें ब्लैक टी, कॉफ़ी और सारा ऑप्शन आएगा, अलग अलग मशीन। कुछ ही दिन में हम इसको अपग्रेड करेंगे और सारा ऑप्शन डालने की कोशिश करेंगे, जितना ऑप्शन डाल सकते हैं। उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी, हम 2003 का बर्थ है, तो मतलब यही 22 साल है मेरा। बाप रे, मतलब सोचिए 22 साल के ये नौजवान प्रिंस कुमार रांची में एक ऐसा मशीन लेकर आए हैं जो कि अपने आप चाय दे रहा है। 5 रुपया सिक्का डालिए और आपको चाय मिल जाएगा। तो एटीएम, चाय एटीएम मैं इसको कह सकता हूँ, और काफ़ी लोग आके पी भी रहे हैं। मैंने भी अभी ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिंस से और थोड़ी बातचीत करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर कैसा लग रहा है भैया आपको चाय। एक नंबर, अच्छा चाय है। हाँ, अच्छा चाय है, गर्म भी है, ताज़ा एकदम। बस देख सकते हैं रिव्यू, आप बाकी लोगों से भी सुन सकते हैं, सबका कहना है कि अच्छा चाय है। प्रिंस आइए, थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। तो कभी आपको ऐसा हुआ, मतलब फ्रेंड लोगों का सपोर्ट कैसा था आपका? स्टार्टिंग में तो फ्रेंड लोगों को लगा कि ये क्या है, लेकिन जिस समय इसको बना के दिखाएं तो फ्रेंड लोग भी है, मेरा दोस्त एक बिकी करके है, वो लोग बताए कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है, तुम इसमें काम करो, उन लोगों का भी सपोर्ट था। मतलब बनने के बाद फ्रेंड लोगों ने थोड़ा बोला कि हाँ अच्छा है, उन लोगों ने। तो मुझे लगता है हमारे रांची झारखंड से शार्क टैंक पे जा सकते हैं ये अपनी ये मशीन लेकर और अपनी आइडियाज़ को बता सकते हैं, क्योंकि अभी आपको और भी मशीन का डिमांड आ रहा होगा। हाँ, डिमांड है, डिमांड अभी कॉल आते हैं कि मुझे मशीन चाहिए, तो वही है। अभी मैं चाहता हूँ इससे थोड़ा सा और इम्प्रूव करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने के बाद मैं इसे और भी तरह बनाऊँ, उसके लिए मुझे थोड़े आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ताकि घर से पैसा उसा मिल रहा था मशीन बनाने के लिए? घर से तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम अपने से ही। वो आपने, इन्होंने बताया कि डिलीवरी बॉय का फ्लिपकार्ट पे काम करते थे, उसी से पैसा जमा किया था, है ना? हाँ। और बहुत सिंपल मटेरियल से इसको बनाया है, ये स्टिकर सब जो लगा है आप ही मतलब डिजाइन उजाइन करके प्रिंट करवाए क्या? ये जितना भी स्टिकर है, इसका नाम लोगो जो भी है, ये सब मैंने ही डिज़ाइन किया। इसका बॉडी का डिज़ाइन जो भी है, ये सब मैंने ही डिज़ाइन किया। थोड़ी सी मशीन की तरफ चलते हैं, ये दिखाते हैं आपको, और एक बार फिर से यहाँ पर प्रिंस इधर आ जाओ। ये एक ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब हुआ, इसमें अगर आप चाय लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कप भी डिस्पेंस करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कप कहीं से लाना है या कहीं से रखना है, जैसे ही आप इसमें चाय लीजिएगा, जैसे ही इसमें आप कप उठाइएगा, दूसरा कप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें ये फीचर्स है जो इसे और यूनिक बनाता है। इसमें आप 4 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर कितना भी कैपेसिटी रख सकते हैं इसमें दूध का, चाय का। इसमें चाय स्टोर भी रहता है और चाय एक मेंटेन टेम्परेचर पे भी रहता है कि वो पब्लिक को कभी भी एनी टाइम किसी भी वक्त सर्व कर सके। और इसको बनाना बहुत इजी है चाय, इसमें बस आपको दूध डाल देना है और हमारी तरफ से जो टी बैग आएगा उसको डालने के बाद आपका चाय रेडी है। बाप रे, मतलब कि बहुत सारे चीज़ है, टेम्परेचर भी है, टेस्ट भी है, और अगर 10 रुपया डालेंगे तो काम नहीं करेगा, 1 रुपया डालेंगे तो काम नहीं करेगा, 5 रुपया में ही आपको मिल रहा है। तो वो सारे चीज़ भी इन्होंने बना के रखे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम देखने में भी क्यूट सा है मुझे लगता है। प्रिंस इधर आइए, बाकी मुझे लगता है काफ़ी दुकानदार भी शायद अपने दुकान के बाहर इस मशीन को लगा के काम कर सकते हैं। हाँ, अभी इनका आपका ही एक वीडियो वायरल होने के बाद मुझे काफ़ी ऑर्डर आया, पर मेरे पास अभी पैसा नहीं है कि मैं और बना सकूं, तो उसी के लिए मैं थोड़ा अभी पैसा का जुगाड़ में लगा हूं ताकि और इस तरह बनाऊं, और जिनका अभी डिमांड है इस मशीन के लिए मैं उन्हें पूरा कर सकूं। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारी मुझे लगता है कि इसको बनाने में आपने कहा कि 2 साल का टाइम लगा, तो इस 2 साल में बहुत बार आपको लगा कि छोड़ो हटाओ नहीं करते? बहुत बार, मतलब बहुत ऐसा, जब भी बनाते हैं जब ऐसा लगता है कि क्या कर रहा है दिन में बैठ के, तो मतलब लगता है कि क्या, फिर सब जब सोचते हैं कि आप नहीं करेंगे इसको, फिर सोचते हैं कि आप नहीं करेंगे तो मेरे पास कुछ करने को है भी नहीं, तो फिर मैं फिर बनाता हूँ। आपका जो वीडियो हुआ उससे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, उससे मुझे और इनक्रेज मिला, वरना मैं कुछ पल पहले तक भी सोच रहा था कि ये प्लान उतना अच्छा नहीं है, मैं इसे ड्रॉप करने का सोच रहा था, पर आपकी वीडियो की वजह से इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से मुझे और इनक्रेज मिला, मेरे दोस्तों लोगों ने भी सपोर्ट किया,
तो मुझे अच्छा लगा। और मतलब बनाने के दरमियान इनको बहुत बार लगा कि छोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त लगा है इनको बनाने में, और तब जाके ये मशीन तैयार हुई है। इसका एक एक कल पुर्जा, एक एक पार्ट ये दिन रात मेहनत करके अपने से जोड़े हैं। कई बार ऐसा हुआ कि चाय नहीं निकल रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था? हाँ, स्टार्टिंग में कुछ एक आध प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हुआ छोटा सा, लेकिन उसको सॉल्व कर लिया गया है। अब कोई भी प्रॉब्लम, अब कम्प्लीटली ये फुली वर्क कर सकता है, अच्छे से काम कर रहा है बिल्कुल। अब देख सकते। अच्छा, एक बार बहुत सारे लोगों का मन में शंका होगा कि इस मशीन को कोई चुरा के ले गया या उखाड़ के ले गया, ऐसा तो हो सकता है? यही ये सब स्पेसिफिकेशन इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कैमरा हो गया, इसमें लोकेशन ट्रैकर हो गया, या और भी इसमें फीचर्स आ सकता है। और मुझे लगता है लोग दुकान के बाहर लगाएंगे तब वो तो खुद में सामने रहेंगे, उन्हीं का ही। और ऐसा नहीं, इसमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और इसमें चाहे इसमें बेसिकली अगर कोई अगर ले भी जा रहा है तो उसका कोई वैसा फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका ज़्यादा जितना भी ट्रांजेक्शन रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। आप कुछ चाय ले लेगा, और मदरबोर्ड इसमें जितना भी फीचर्स है वो आपका मोबाइल नंबर से लिंक होगा, अगर कोई ले भी जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे लगता है कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। हमारे रांची झारखंड में जब नया नया ATM आया था तो सब बोलते थे अरे ATM उखाड़ के ले जाएगा, पैसा ले जाएगा, पर आज ATM कितना अच्छे से काम कर रहा है। और अच्छे से इस ये टाइप का भी इसको सपोर्ट कीजिए, और ये आगे बहुत चीज़ सोच रहे हैं, कॉफ़ी मशीन लाने का सोच रहे हैं, ग्रीन टी लाने का सोच रहे हैं, और मुझे लगता है ये अगर आपको इनका सपोर्ट कीजिएगा तो ये और भी अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टोस्ट का टुकड़ा रहता है, ये देखिए मशीन में सामने से दिखा रहा हूँ आपको, और इस तरीके से सिक्का डालने के लिए है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस तरीके का, और इधर ऊपर से ये कप डालते हैं, कप को डालने के लिए ये जगह है। आप देख सकते हैं इस तरीके की मशीन है, सामने से मैं आपको पूरा मशीन दिखा रहा हूँ। ये सारे स्टिकर इन्होंने खुद से ही चिपकाया है प्रिंट करा के, ये मशीन है, और इधर से कुछ वायर वगैरह कनेक्ट है। चलना पड़ेगा। कैसा लगा चाय? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। टेस्ट कॉफ़ी चाय नहीं लगा, ही लगा कॉफ़ी है। रांची वन पीस है, अच्छा पहला बार देखने को मिला है, और ये यूनिक चीज़ है। ये सब बड़ा बड़ा शहर में दिखाया जाता है, लेकिन राजधानी में रांची में आपको मिल रहा है। 5 रुपये में कोई ख़राब चाय नहीं मिल रहा आपको, ऑटोमेटिक है। अभी भी आइए, कोई भी टाइम आइए, कोई भी पब्लिक बार कोड से स्कैन कीजिए, आप 5 रुपये आप स्कैन करके पिए ना। जी जी, यस, हम स्कैन करके पिए हैं। इसका चाय का स्वादिष्ट है, इसे कोई नुकसान भी नहीं है, फायदा है। आप प्योर दूध का चाय है, और ये बिजनेस बहुत अच्छा है, और भी आगे चलेगा ये बिजनेस। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं चाय पीने के लिए, और सारे लोग गर्मा गर्म चाय अपना निकाल के पी रहे हैं। हम तो भीड़ लगना शुरू हो चुकी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक चाय की मशीन, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लगा सर, हम तो देखे यहाँ पे, हम भी सोचे ये कैसा बना दिया, आपका ही वीडियो देख के हम लोग आए हैं, आपका जो वायरल हुआ था वीडियो उसको देखे, भी कहाँ पर बनाया, चलो देखते हैं। आप बोले थे लालपुर आसपास। हम लोगों ने एक वीडियो पहले डाली थी इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो हम इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, उस पर भी हम लोग अलग अलग वीडियो डालते रहते हैं। सर आप क्या कहेंगे? चाय बहुत अच्छा है और बहुत यूनिक चीज़ है रांची में। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि इससे गर्म गर्म सूप, टमाटर सूप सब बने? मुझे हम इसके ऊपर ही काम कर रहे हैं कि आगे मुझे सूप, मैंने कुछ स्ट्रीट फूड को लेकर रखा अपने मन में कि मुझे इसको लेके भी वेंडिंग मशीन बनाना है। ये मशीन मैंने बनाया कि लोगों का रिएक्शन कैसा, तो लोगों को रिएक्शन अच्छा। ये ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। तो अगर आपको ये मशीन अच्छी लगी है, प्रिंस का मेहनत पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा इसके लिए, एक नई चीज़ लाने के लिए। और एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा, मैं यहाँ का लोकेशन और इनका फ़ोन नंबर सारा कुछ दे दूँगा, नीचे आप देख सकते हो। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिएगा नीतीश एंड कुजीन।